हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश के कुछ क्वेश्चंस। अब तक हमने भौतिक प्रदेश को डिटेल में पढ़ा था, अब देखते हैं हमें ये टॉपिक कितना समझ में आया है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर्स चाहिए तो वो भी आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो जाकर वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है इस वीडियो का, तो यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन के करीब पहुंच चुके हैं। ज्योग्राफी के हमने अभी तक केवल 2 टॉपिक पढ़े हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है। गोडवाड़ प्रदेश किस भू आकृतिक भाग में आता है? राजस्थान के गग्गर प्रदेश, हाड़ौती पठार, पश्चिमी शुष्क प्रदेश या फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो गोडवाड़ प्रदेश लूणी बेसिन को कहा जाता है, और लूणी बेसिन कहाँ पर? पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश में आएगा। यहाँ पर शुष्क को हटा दे या फिर शुष्क रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश या फिर मरुस्थली प्रदेश में आएगा। कौन सा प्रदेश या कौन सा क्षेत्र? गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है? यहाँ पर बांगड़ बोला गया है, वागड़ नहीं कहा गया है। वागड़ तो हमें पता है वागड़ कहाँ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को बोलेंगे, लेकिन बांगड़ बिंदी लग रही है। बांगड़ किस क्षेत्र को कहा गया है? बांगड़ कहा गया है शेखावटी प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, प्याला, यहाँ पर प्याला नहीं पलाया झील होगी, पलाया झील क्या होगी? पलाया झील है, पलाया झील है, थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्या आएगा? पलाया झील है। राजस्थान के किस भौगोलिक भाग में पाई जाती है? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान या फिर हाड़ौती का पठार। पलाया झीलें कहाँ पर? थार के मरुस्थल में पाई जाती है। अस्थाई जो झीलें बनती है वर्षा के जल से, उसे क्या कहा जाता है? पलाया झीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? यानी कि राजस्थान में मरुस्थल किस दिशा में बढ़ता जा रहा है, इसका विस्तार किस दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो यहाँ पर ऑप्शन में पश्चिम और से पूर्व सी ऑप्शन में, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार पूछा गया है, विस्तार की दिशा क्या होगी? ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता जा रहा है क्या मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान के अलावा भारत के किन राज्यों में थार का मरुस्थल विस्तृत है? तो सर्वाधिक तो राजस्थान में विस्तृत है, उसके बाद में राजस्थान से ही सीमा लग रहे जिले हैं, सॉरी राज्य कौन से? पंजाब, गुजरात और हरियाणा। यानी कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में मरुस्थल का विस्तार है। भारत के किन राज्यों में? भारत के 4 राज्यों में, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है? यहाँ पर मुक्त पूछा गया है, मुक्त कितना प्रतिशत है? 41.5%, 41.5%। और युक्त पूछा जाए तो 100 में से ये माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 59.5%। तो 59.5% तो क्या है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है? 41.5%। ये डेटा याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरखान, बरखान क्या है? बरखान क्या है? विशेष आकृति के बालू के टीले, सामूहिक नाच गान के साथ फसल कटाई, या फिर ऑप्शन नंबर सी है महिला विशेष पोशाक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राजाओं द्वारा दिया जाने वाला विशेष चिन्ह। तो क्या है बरखान? तो बरखान हमने पढ़ा था बालू का स्तूप है, एक विशेष आकृति के बालू का टीला है या बालू का स्तूप है। और किस आकृति का होता है ये? अर्धचंद्राकार। कौन सी आकृति? अर्धचंद्राकार। शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीफ क्या है? सीफ क्या है? एक स्क्रब का पीस बालू का स्तूप, या फिर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, या फिर पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो सीफ जो है वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का ही एक प्रकार है,
यानी कि ये कैसा होता है, समानांतर पवन के समानांतर निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, और इसी का एक प्रकार है सिर्फ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ कैसा होता है, ये समकोण पर बनता है, और समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा होता है, अनुदैर्ध्य, और उसी का एक प्रकार कौन सा है, सिर्फ बालू का स्तूप। नेक्स्ट, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है, कुओं को क्या कहा जाता है, शेखावटी क्षेत्र में वर्षा का जल इकट्ठा होकर जो कुएं बनते हैं उसे क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है, जोहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील रेत के टीले स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं, गतिशील रेत के टीले यानी कि आज यहाँ पर रेत का टीला है तो पवन जोर से चली इस दिशा में तो आगे बढ़कर ये कल पवन की दिशा अगर यही रही तो ये कुछ दिनों बाद में यही बालू का स्तूप कहाँ दिखाई देगा, हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से गतिशील जो रेत के टीले होते हैं उसे क्या कहा जाता है, दरियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में स्थानीय भाषा में जो गतिशील रेत के टीले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राही क्या होता है, राही एक बालू का स्तूप की अधिकता होती है, बाढ़ के मैदान जो छोटी नदियों से बनते हैं वो होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है विस्तृत मिट्टी के मैदान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हवाई चक्रवात। तो किसे कहा जाता है, राही, राही कहा जाता है बाढ़ के मैदान जो छोटी नदियों से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बाढ़ के मैदान जो कि छोटी नदियों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, फालोदी पोखरण, शेरगढ़ शिव, आसिया शेरगढ़, या फिर बायतू चौटन। यहाँ पर डैश बीच बीच में दो दो स्थान दिए हुए हैं और हमें यहाँ पता करना है बालू का स्तूप मुक्त स्थान कौन से, तो फालोदी और पोखरण ये जो दो स्थान है वो बालू का स्तूप मुक्त स्थान है, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल के किस भाग में या पार्ट की समुद्र तल की सबसे कम ऊंचाई, किस पार्ट की सबसे कम ऊंचाई समुद्र तल की, उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण, या फिर उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है थार के मरुस्थल का उसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई वाला स्थान है कौन सा, उत्तर पश्चिमी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज एक भूगर्भित जल पट्टी है या भूमिगत जल पट्टी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, और यहाँ पर कहाँ पर है ये, तो यह है जैसलमेर में, जैसलमेर में। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे कहा जाता है सेवन घास, सेवन घास, ठीक है। और ये क्या है लाठी सीरीज, तो लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जलपट्टी है यानी कि भूमि के अंदर एक ऐसी जलपट्टी बनी हुई है जिससे सिंचित होकर एक नई तरह की घास उगती है, विशेष प्रकार की घास उगती है, कौन सी, सेवन घास, जो कि कौन सी नस्ल की गाय खाती है, साहिवाल नस्ल की गाय खाती है, ठीक है, इस तरह से याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फूड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है, नेशनल फूड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है, चूरू, सिक्कर, जैसलमेर, या फिर बीकानेर। तो ये है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल फूड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो फाइट जिसे मरुद्भित, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, मरुद्भित क्या कहा जाता है, मरुद्भित, मरुद्भित इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मरुद्भित, और वैसे मोस्टली इंग्लिश में ही आता है जीरोफाइट, किस क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान के। तो ये मरुस्थली क्षेत्र को ही इंग्लिश में जीरोफाइट कहा जाता है, जीरोफाइट शब्द से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कौन सा, मरुस्थल, मरुस्थल में पाई जाती है कौन सी विशेष प्रकार की वनस्पति, जीरोफाइट वनस्पति, स्टेपी वनस्पति या स्टेपी जलवायु जिसे कहा जाता है, यानी कि अर्थ क्या होता है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए उस क्षेत्र को भी स्टेपी जलवायु वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो कौन सा होता है, वो अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र आ जाएगा, लेकिन जीरोफाइट जो है ये प्योर शुष्क मरुस्थल जो होता है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष वनस्पतियां होती है जो कंटीली होती है, झाड़ी जैसी होती है, इसलिए इस क्षेत्र को भी जीरोफाइट क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पूछा गया है खड़िन क्या है, बालू का स्तूप है, मरुस्थल में जल संग्रह की तकनीक है, पथरीला मरुस्थल है, या फिर हवाई चक्रवात है। तो क्या होता है खड़िन, खड़िन क्या होता है, तो ये मरुस्थल में जल संग्रह की एक विशेष प्रकार की तकनीक है जिसमें खेत के साइड साइड में किनार बांध दिए जाते हैं और यहाँ पर वर्षा का जल एकत्रित होता है और साइडों में से अंदर जो खेत होता है वो सिंचित होता जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जल संग्रह की एक विशेष तकनीक है खड़िन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है,
पूर्वी प्रदेश का भाग नहीं है, लूणी बेसिन, चंबल बेसिन, बनास मैदान या फिर छप्पन का मैदान। तो लूणी बेसिन जो है ये अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है, और यहाँ पर पूछा गया है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, तो नहीं है ये, कौन सा नहीं है, लूणी बेसिन नहीं है। किसका भाग है ये, अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है। अर्ध शुष्क मरुस्थल वाले हमने जब चार भाग देखे थे, गग्गर बेसिन, शेखावटी, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन या फिर गोडवार प्रदेश, तो उसका भाग है। यहाँ पर पूर्वी मैदान का भाग है तो चंबल बेसिन है, चंबल नदी का जो क्षेत्र, चंबल नदी जहाँ से बहती है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो मैदान बनता है वो चंबल बेसिन, बनास नदी से निर्मित मैदान बनास मैदान, और छप्पन का मैदान कौन सी नदी बनाती है, माही नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मालपुरा करौली मैदान किस भौगोलिक भाग का हिस्सा है। मालपुरा मैदान जो बनता है वो बनास नदी से बनता है, बनास नदी का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ का मैदान बनाता है, मालपुरा खेराड़ी का मैदान बनाता है, इस तरह से। तो इस ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्र का भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मालपुरा करौली। तो मालपुरा करौली किसका भाग हो जाएगा, पूर्वी मैदान का भाग हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में पिडमंट का मैदान स्थित है, हाड़ौती प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या फिर मरुस्थली प्रदेश। तो पिडमंट जो है वो बनता है, कौन सी नदी से बनता है ये मैदान, बनास नदी से निर्मित मैदान है, और कहाँ पर, तो देवगढ़ राजसमंद में। देवगढ़ राजसमंद में जो मैदानी क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है, पिडमंट का मैदान। और इस पिडमंट का मैदान बनास नदी से निर्मित है, तो इसका मतलब ये कौन सा भौतिक प्रदेश में आएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश में आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, प्रतापगढ़ जो जिला है वो किस क्षेत्र का भाग आएगा, बोराट का पठार, छप्पन की पहाड़ियां, गोडवाना लैंड या फिर कांठल मैदान। तो माही नदी द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, वह उस क्षेत्र में जो तट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, प्रतापगढ़ जिला जो है वो किस क्षेत्र में आएगा, बोराट का पठार, छप्पन की पहाड़ियां या फिर छप्पन पहाड़ियां, गोडवाना लैंड या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा कांठल प्रदेश या कांठल मैदान। तो माही नदी द्वारा जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, माही नदी के आसपास का जो अपवाह क्षेत्र है, माही नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसके आसपास जो मैदान बनता है प्रतापगढ़ जिले में, उसे कांठल का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी चीज है, दूसरे ऑप्शन अगर हम देखें तो बोराट का मैदान या बोराट का पठार कहाँ पर है, तो बोराट राजसमंद यानी कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा पठार कहलाता है, बोराट का पठार। छप्पन पहाड़ियां कहाँ पर है, छप्पन पहाड़ियां बाड़मेर में, नाकोड़ा पर्वत, गोडवाना लैंड तो यहाँ पर किसका, पर्वत और पठार के अवशेष पाए जाते हैं यहाँ पर, पर्वत और पठार किसके अवशेष माने जाते हैं, गोडवाना लैंड के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कांठल प्रदेश या कांठल मैदान किस जिले का भाग है, तो प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है, खाद्यान्न का कटोरा यानी कि सर्वाधिक कृषि की जाती है कहाँ की जाती है, जहां पर पानी अधिक होगा, और दूसरा मिट्टी उपजाऊ होगी। तो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, राजस्थान नहीं पूरे भारत की सबसे मिट्टी जो कट राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी किसे माना गया, जलोढ़ मृदा को, और जलोढ़ मृदा जहां पर होगी वो क्षेत्र उपजाऊ होगा और वहीं पर खेती भी अधिक होगी, दूसरा नदियां वगैरह अधिक होगी, पानी अधिक होगा, समय समय पर सिंचाई होती रहेगी, तो वो क्षेत्र कौन सा होगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदान में ही होगी, नदियों से निर्मित हो बनता है मैदान, और दूसरा यहाँ पर जो मृदा होती है वो नई नई मृदा आती रहती है, नदियों द्वारा नई मृदाओं का निक्षेपण होता जाता है, तो जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास मैदान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा, मैदान कृषि हेतु अनुपयुक्त है, ये अनुपयुक्त होता है कृषि हेतु मैदान, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सर्वाधिक कृषि कहाँ की जाती है, मैदानी भाग में की जाती है, इसका ढाल पश्चिम की ओर होता है। अब हम बात करें ये राजस्थान हमारा, और राजस्थान के इस भाग में क्या पाए जाते हैं, मैदान, तो मैदान की स्थिति क्या है, किस भागों की ओर ज्यादा
इनका ढाल बढ़ता जा रहा है तो पूर्वी भाग की ओर, तो यहाँ पर पश्चिम दिया हुआ है तो पश्चिम ये गलत हो जाएगा। सारी नदियां यहाँ से बनास इधर जा रही है, चंबल इधर जा रही है, बाणगंगा इधर जा रही है, तो इसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, पूर्व की ओर होगा न कि पश्चिम की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं हम जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। बिल्कुल सही है, इन नदियों द्वारा जो मृदा लाई जाती है वो कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर होती है, ये भी बिल्कुल सही है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 150 से 300 मीटर, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी यानी कि 3 और 4 जहां पर होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहीं तक थे हमारे सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक भौतिक प्रदेश के क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भौतिक प्रदेश के और भी कई सारे क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।